ओके, आज हम सीख रहे हैं चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स आर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, या यू कह सकते हैं आर द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो चार्ट्स जो होते हैं वो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है डेटा की, और उसको भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से क्रिएट करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आने वाला है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है चार्ट्स इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और यहाँ पे इसको सेंटर कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब किस तरह की डेटा की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, इसमें हम काफ़ी सारे से चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चार्ट डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, यानी कि एक क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट में उनके जो स्कोर हैं उनकी डेटा की प्रेजेंटेशन को किस तरह से हम पॉसिबल बना सकते हैं इसको देखते हैं। इस अमल को करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, और चार्ट पे जाके कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, और ये डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। इनमें से कोई भी एक स्टाइल चार्ट का ले लेंगे, यानी कि ये ऐसा चार्ट है तो इसके ये डिफरेंट स्टाइल हैं। तो यहाँ से क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारे सामने चार्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये चार्ट हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा तो चार्ट के साथ क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट होंगी वो आपने समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये चार्ट आपके सामने एक्टिवेट हो गया है, और इसके साथ हमें जो ऑप्शन मिलेंगे वो ये ऑप्शन मिलेंगे। जब मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो दो टैब एक्टिवेट होंगे, एक चार्ट डिज़ाइन का और एक चार्ट फॉर्मेट का। लेकिन अगर जैसे ही चार्ट पर से क्लिक हटाऊँगा तो ये दोनों टैब गायब हो जाएंगे। जैसे ही चार्ट पर क्लिक करूँगा, चार्ट डिज़ाइन फॉर्मेट दोनों यहाँ से एक्टिवेट होंगे। चार्ट डिज़ाइन में जाऊँगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए डिज़ाइंस मुझे मिल जाएंगे, तो कोई भी एक डिज़ाइन मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। फिर चार्ट कलर्स को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से डिफरेंट किस्म के कलर्स मुझे मिलेंगे, तो मैं उनके कलर स्कीम को भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आते हैं, दो ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट डेटा और एडिट डेटा। यहाँ से हम चार्ट का डेटा प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, और एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्सेल की डेटा शीट खुल जाएगी। जैसे ही एक्सेल की डेटा शीट हमारे सामने खुलेगी तो यहाँ पर क्लिक करके हमने कैटेगरीज़ में और सीरीज़ में डेटा पुट करना है। तो देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स के रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैटेगरी और सीरीज़ के ऊपर जब हम काम करेंगे तो उसमें काम ये है कि कैटेगरी में आपने नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे नाम लिखा मंजीत, हमने यहाँ पे नाम लिखा शर्जील, हमने यहाँ पे नाम लिखा मोहित, इब्राहिम, तो हमने कुछ स्टूडेंट का डेटा डाल दिया। इसी तरीके से अब उनके सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, तो सब्जेक्ट्स के नाम कैसे लिखे जाएंगे? सीरीज़ वाले सेक्शन में। अब सबने एक ही क्लास में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सपोज़ टू बी उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा विंडोज़, एक सब्जेक्ट पढ़ा आईटी, एक सब्जेक्ट पढ़ा वर्ड, एक सब्जेक्ट पढ़ा एक्सेल। तो यहाँ एक्सेल की एंट्री हमने एक्स्ट्रा कर दी। फिर इन्होंने क्या क्या जो स्कोर किया उसमें कैसे पास किया, इन्होंने सारी चीज़ों को इसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ से क्लिक किया, विंडोज़ में जाके हमने इसके मार्क्स इंटर किए, वर्ड में इसके मार्क्स इनपुट किए, और एक्सेल में इसके मार्क्स इनपुट किए, सिमिलरली इसके मार्क्स इनपुट किए, और इस तरीके से हमने मोहित के मार्क्स इनपुट किए। और इसी तरह से हमने इब्राहिम के मार्क्स इनपुट किए। और जब ये मार्क्स इनपुट हो गए तो हमने इस चार्ट के डेटा शीट को यहाँ से क्लोज कर दिया, और ये चार्ट के ऊपर आपको आपके सामने जाहिर हो रहे हैं। चार्ट का टाइटल अगर हम देना चाहें तो हमारी मर्ज़ी है, उस पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे चार्ट टाइटल पे कि क्या लिख रहे हैं हम। सपोज़ हम यहाँ लिख रहे हैं डिप्लोमा या ADIT स्टूडेंट स्कोर ग्राफ। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको स्टडी करने का क्या तरीक़ेकार है, यहाँ पे बता रहा है ये मंजीत और ये मंजीत के चार सब्जेक्ट की प्रोग्रेस, ये शर्जील और उसके चार सब्जेक्ट की प्रोग्रेस, ये मोहित ये उसके चार सब्जेक्ट की प्रोग्रेस, और ये इब्राहिम और उसके चार सब्जेक्ट की प्रोग्रेस। सब्जेक्ट को समझने के लिए, विंडोज़ का सब्जेक्ट ग्रे कलर का है, आईटी का सब्जेक्ट येलो कलर का है, वर्ड का सब्जेक्ट लाइक इस कलर को क्या कहते हैं पता नहीं, बहरहाल जो भी है, और एक्सेल का सब्जेक्ट ये थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़ाहिर हो रहा है। अब हम इस पर क्लिक करके चार्ट के लेआउट को फर्दर चेंज करेंगे, तो चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे,
क्विक लेआउट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये लेआउट इस तरह का नज़र आने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें सब्जेक्ट्स के नाम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम नज़र आ रहे हैं। हम इस लेआउट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के नाम यहाँ पे नज़र आएँ, सब्जेक्ट के नाम यहाँ नज़र आएँ। तो हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट डेटा के ऊपर, जैसे ही सिलेक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। कह रहा है स्विच रो टू कॉलम, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए ये डेटा हमारा कॉलम में आ रहा है, सॉरी ये डेटा हमारा कॉलम में आ रहा है, ये डेटा हमारी रो में आ रहा है। इसको स्विच कर देंगे यहाँ से, तो जो इधर का डेटा था वो इस साइड पर आ गया और यहाँ का डेटा इस साइड पर स्विच हो गया। और जैसे ही ओके करेंगे और ये इसको क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें आपका जो स्टूडेंट का डेटा है वो यहाँ आ गया और सब्जेक्ट का डेटा इस साइड पर दिखाई देने लग गया। इस लेआउट को फर्दर चेंज करना है तो आप इसको इस लेआउट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका लेआउट आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो लेआउट आपको प्रॉपर्ली सही लग रहा है कि यहाँ पे सही अच्छे से दिखाई दे रहा है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ से स्टाइल को चेंज करना चाहें तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब रह जाती है बात कलर स्कीम की, तो कलर स्कीम, एक तो कलर हम यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं जो इसी से रिलेटेड कलर्स हैं। फर्दर कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से आके कलर्स को यहाँ से चेंज करके देखें, देखें इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से भी इसके ऊपर कलर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया और फर्दर उनकी कलर स्कीम्स को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से दिखाई देंगे। इसके बाद अगर आपने कोई नया स्टूडेंट का डेटा डालना है तो एडिट डेटा करना है। एडिट डेटा करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दोनों के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। नया डेटा हमने इसमें ऐड कर दिया ताहा और वरुण, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसके स्कोरिंग को भी यहाँ पे पॉसिबल कर दिया, तो इसके स्कोर भी हमने यहाँ पे डाल दिए। तो इस तरह से आपने देखा कि नया डेटा भी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जैसे ही हमने नया डेटा डाला और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया तो ये देखें डेटा हमारे सामने इस तरीके से दिखाई देने लग गया। बाद में आपको एहसास हुआ कि इसमें से थोड़ी देर के लिए किसी स्टूडेंट के डेटा को डिसअपियर करना है तो आप गए यहाँ पे दोबारा से चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ से चार्ट डिज़ाइन पर गए और चार्ट डिज़ाइन में जाने के बाद सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके जिस स्टूडेंट के डेटा को डिसअपियर करना है वहाँ से उस पर से चेक हटाया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि डेटा मौजूद है लेकिन वो यहाँ डिज़ाइन में से गायब हो चुका है। फर्दर मोर अगर आपको और डेटा दिखाना है तो वंस अगेन सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, यहाँ से मोहित के डेटा पे चेक लगाएंगे, किसी एक सब्जेक्ट के डेटा को हाइड करना है तो उस पर से चेक हटाएंगे, उसको यहाँ से क्लोज करेंगे तो वो डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं कि गायब हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से वो डेटा दोबारा से विजिबल करना है तो सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, यहाँ से उस पर चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डेटा दोबारा से आपके सामने अपियर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चार्ट को हम बना सकते हैं। बाद में अगर आपको इस चार्ट का डिज़ाइन चेंज करना है तो चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और आपने अभी ये डिज़ाइन लिया था इसी को इस वाले डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड डिज़ाइन चूज़ करेंगे और आपका डेटा इस तरह से नज़र आएगा। कलर स्कीम को चेंज करने के लिए कलर्स में जाएंगे और यहाँ से कोई दूसरी कलर स्कीम को चूज़ करेंगे, चार्ट डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ से कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं जैसे ये वाला कलर स्कीम। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें जितना बड़ा ये टैबलेट बना हुआ है उतने ज़्यादा स्कोर हैं, जितना छोटा टैबलेट बना हुआ है उसका कम स्कोर है। और मज़ीद डिज़ाइन के लेआउट को चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसको इस लेआउट में भी दिखा सकते हैं, फर्दर और इस वाले लेआउट में भी दिखा सकते हैं 3D लेआउट के अंदर, तो इसमें आपको ये 3D लुक देगा। इसके बाद अगर 3D लुक में लेआउट आप इसका नॉर्मल सिर्फ बार वाला ही रखते हैं तो ये देखें इस तरह से नज़र आएगा। फिर 3D लेआउट के अलावा अगर आप इसको इस वाले लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ओके करेंगे, ये इस तरीके से भी आपको दिखाई देगा। इसके अंदर भी लेआउट्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट्स में आप चेंज करके देख सकते हैं, फिर जो लेआउट आपको सही समझ में आए उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसमें ये बार्स आपको इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। फर्दर अगर आपका चार्ट डिलीट करना हो तो चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे तो हमारा चार्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ट को टेक्स्ट के साथ अरेंज करना हो तो किस तरह से अरेंज करेंगे, इसके लिए हम थोड़े से टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस साइड पर, एंटर का बटन दबाया, इक्वल टू RANDE और यहाँ पे मैंने 20 पैराग्राफ्स ले लिए और जैसे ही लिख के एंटर किया तो मेरे पास 20 पैराग्राफ्स आ गए। अब मैं इस टेक्स्ट के साथ चार्ट को कैसे एडजस्ट करूँगा, तो मैं पहले चार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रैप टेक्स्ट का लेआउट ऑप्शंस में, तो ये बता रहा है कि अगर चार्ट इस टाइम
टेक्स्ट के बीच में जाएगा तो ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको पकड़ के नीचे लाया, तो ये देखें टेक्स्ट ऊपर नीचे एडजस्ट हो गया। चार्ट को मैंने फर्दर थोड़ा सा छोटा किया तो भी टेक्स्ट ऊपर नीचे एडजस्ट था। यहाँ से मैंने क्लिक किया और मैंने इस पर ले लिया तो टेक्स्ट चार्ट के चारों तरफ पर रैप हो गया। फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये वाला ऑप्शन ले लिया तो टेक्स्ट चार्ट के पीछे चला गया और चार्ट टेक्स्ट के आगे नज़र आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये वाला ऑप्शन ले लिया तो चार्ट टेक्स्ट के पीछे चला गया और बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है जबकि टेक्स्ट उसके आगे नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो अभी हमारे लिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा जिसमें टेक्स्ट चार्ट के चारों तरफ ऑटो एडजस्ट हो जाए, या इस तरह से कभी हमें किसी भी डेटा का एनालिसिस शो करना हो तो इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। और यहाँ से हम कंट्रोल डी दबा के इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं चार्ट की, और यहाँ पर उठा के हम इसको दूसरे डेटा के साथ भी अरेंज करके देख सकते हैं। तो यूँ देखिए इस तरीके से आप चार्ट को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज करके ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात, ये क्लियर हो गई।